नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, आज हम बीएससी सेकंड ईयर में थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट का आगे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन। हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, अर्थात सिस्टम और सराउंडिंग में ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता है, इसलिए क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर हम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में ऊष्मा क्यू का मान ज़ीरो रखें तो हमें कार्य बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि यदि एडियाबेटिक प्रोसेस पर यदि कार्य किया जाता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है, और यदि रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घटती है और टेम्परेचर में कमी आती है। यहाँ हम एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में अगर रिलेशन देखें तो हमें प्राप्त होता है टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ टी ताप है, वॉल्यूम आयतन, तथा गामा है सी पी अपॉन सी वी, अर्थात स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता तथा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का अनुपात। आगे यदि हम एडियाबेटिक प्रोसेस में ही प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन देखें तो हमें मिलता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही यदि ताप और दाब के बीच में रिलेशन देखा जाए तो हमें मिलता है टी गामा पी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम आगे देखें वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबेटिक रिवर्सेबल प्रोसेस, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य। आप पहले पढ़ के आए हैं कि यदि एक आइडियल गैस रिवर्सेबल एक्सपेंशन में यदि आयतन में परिवर्तन डीवी करती है तो गैस द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम डीडब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें प्राप्त होता है माइनस पी डीवी। यदि गैस का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 तथा लास्ट वॉल्यूम V2 है तो कंप्लीट एक्सपेंशन में किया गया कार्य W बराबर होगा माइनस समाकलन PdV लिमिट V1 से V2। चूँकि हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं और यह प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम पढ़ के आए हैं अभी अभी फ़िलहाल पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी हमने दाब आयतन में संबंध पढ़ा रुद्धोष्म प्रक्रम में, उसमें भी हमने देखा पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। अब यदि यहाँ से प्रेशर दाब का मान हम समीकरण एक में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है W इज इक्वल टू माइनस समाकलन के वी गामा इंटू डी वी और लिमिट V1 से V2। अब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी W इज इक्वल टू 1/(1 - γ) ब्रैकेट KV2 1 - γ माइनस KV1 1 - γ। चूँकि K इज इक्वल टू पी वी गामा तो हम कह सकते हैं K इज इक्वल टू P1 V1 γ इज इक्वल टू P2 V2 γ। अब K की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमें मिलता है W इज इक्वल टू 1/(1 - γ) P2 V2 γ V2 1 - γ माइनस P1 V1 γ V1 1 - γ इज इक्वल टू 1/(1 - γ) P2 V2 - P1 V1। यहाँ आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे हमें P2 V2 - P1 V1 कैसे मिला, क्योंकि V2 गामा
इंटू वी टू वन माइनस गामा। जब आप इन घातों को जोड़ोगे तो आपको केवल वी टू मिलेगा। तो हमें लास्ट में प्राप्त होता है, चूँकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन में वन माइनस गामा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। तो फाइनल इक्वेशन हमें एडियाबेटिक रिवर्सेबल प्रोसेस में वर्क ऑफ एक्सपेंशन की प्राप्त होती है डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन में वन माइनस गामा। अब हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में यदि अंतर देखें तो कर्व में आप देखते हैं कि कर्व यदि हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट करते हैं तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व में आप देख रहे हैं कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया जाता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटती है, अर्थात सिस्टम का टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम में भी कमी आएगी, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चूँकि कांस्टेंट रहता है इसलिए आयतन भी कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का पी वी कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस के पी वी कर्व से अधिक स्लोप रखता है, क्योंकि पी वी कर्व के नीचे का क्षेत्रफल एक्सपेंशन वर्क को बताता है। इसलिए समान दाब परिवर्तन से आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस द्वारा किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य की अपेक्षा अधिक होता है। अब आगे हम इसमें थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती थर्मोकेमिस्ट्री? ऊष्मागतिकी में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। जब कभी भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में संयोग करते हैं तो या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इमिट होती है, अर्थात हम कहें कि लगभग सभी केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल चेंजेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। वे रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, तथा जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्योंकि हीट के एब्जॉर्प्शन या इमिशन से रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी तथा एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा या एंथैल्पी बढ़ती या घटती है। यदि यही रिएक्शंस स्थिर दाब पर संपन्न होती हैं तो हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, और यदि यही रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती हैं तो हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। क्योंकि जनरली मोस्टली केमिकल रिएक्शंस किसी ओपन खुले हुए पात्र में की जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थिर वायुमंडलीय दाब पर होती हैं, इसलिए हम ऊष्मा परिवर्तन के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग न करके एंथैल्पी का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप जनरली देखते हैं जो भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं उसमें लास्ट में जब ऊष्मा परिवर्तन लिखते हैं तो आंतरिक ऊर्जा की जगह हम एंथैल्पी का प्रयोग करते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। यहाँ A और B रिएक्टेंट हैं तथा C और D प्रोडक्ट हैं। स्थिर दाब पर ए रिएक्टेंट ए तथा बी की एंथैल्पी एच ए तथा एच बी है, तथा प्रोडक्ट सी और डी की एंथैल्पी एच सी तथा एच डी है। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हम कह सकते हैं बराबर होगी N1 H A प्लस N2 H B।
तथा प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी बराबर होगी m1hc प्लस m2hd। तो टोटल कंप्लीट रिएक्शन में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन होगा प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू hp माइनस hr इज इक्वल टू m1hc प्लस m2hd माइनस ब्रैकेट n1ha प्लस n2hb। यदि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा होती है तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है अर्थात हीट का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। और यदि रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की कुल एंथैल्पी से ज़्यादा होगी तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आता है, इट मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।